किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन, प्रमुख सचिव सोलर एनर्जी आलोक कुमार समेत तमाम लोगों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। ग्रीन एनर्जी समिट कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सोलर एनर्जी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में सोलर एनर्जी के माध्यम से ही लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव में सोलर एनर्जी के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम सरकार बड़ी तेजी के साथ कर रही है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले एक वर्ष से आपने देखा होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, लगभग पौने दो साल की सरकार है, लगातार जितनी भी गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एलिवेट कर करके पब्लिक तक, इंडस्ट्रीज तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे पौने दो साल से कि लगातार सरकार एक बेहतरीन तरीके से काम कर। तो सोलर एनर्जी पर यूपी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही है और आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री भी हैं। सर, सोलर एनर्जी को लेकर बता रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही बड़े लेवल पर काम कर रही है, लेकिन गाँव में ज़मीनी स्तर पर अभी इसकी पहुँच कम है, क्या कारण है? कारण ये है कि लोगों में अभी जागरूकता नहीं आ पाई है और अभी सोलर पावर प्लांट्स थोड़ा लोगों की पहुंच से दूर इसलिए हैं कि भारत में इनका निर्माण नहीं हो रहा है। हम अनुरोध करेंगे पीएचडी चैम्बर से कि उद्यमियों को इसमें सोलर पावर प्लांट जो का मूल जो है सोलर पैनल उत्पादित करने के लिए उद्यमियों को तैयार करें और जिस दिन ये भारत में बनने लगेगा मुख्य ऊर्जा विभाग के बजाय सोलर बिजली ही लोगों के घरों तक, सबके घरों तक पहुँचेगी। सर, उत्तर यहाँ लखनऊ की बात अगर की जाए तो यहाँ पर लगातार जो है वो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि यहाँ रहना दुश्वार हो गया है और इसके अलावा यहाँ पर तमाम पॉल्यूशन को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं लेकिन किसी भी सूरत में पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। तो लखनऊ जैसे शहर के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ गाड़ियों पर? लखनऊ में जो यूपी नेडा के पीओ हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक गली में सभी अपने जो निजी घर मालिक हैं उनसे संपर्क करें, लोगों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उत्प्रेरित करें और सबको सब्सिडी के बारे में बताएं और जिससे लखनऊ का प्रदूषण भी रुकेगा और लोगों को ग्रीन एनर्जी भी मिल सकेगी। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंत्री ब्रजेश पाठक और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लखनऊ में लगातार जो है वो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, नेडा को निर्देशित भी किया गया है और आने वाले समय में इसका लाभ भी लोगों को होगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।